टोक्यो ओलंपिक 2020 के शुरुआत में ही भारतीय खिलाड़ियों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। वेट लिफ्टिंग में ये भारत का सबसे बड़ा पदक है। मीराबाई से पहले वेट लिफ्टिंग में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। अब मीराबाई ने सिल्वर मेडल जीत टोक्यो में भारत का खाता खोल दिया है। मीराबाई चानू ने इस पूरे इवेंट में कुल 202 किलो वजन उठाया। ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग इवेंट में ये भारत का रिकॉर्ड भी है। बता दें कि तीरंदाजी में दीपिका कुमारी और अतानु दास ने भी अगले राउंड में जगह बना ली है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम भी मौजूदा ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को हराकर क्वार्टर फाइनल में आ चुकी है। इसी के साथ हमारे तीन बॉक्सर क्वार्टर फाइनल में हैं। बस एक जीत और भारत के मेडल्स पक्के हो जाएंगे। स्टार भारतीय बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक में भारत का दूसरा पदक सुनिश्चित कर दिया है। शुक्रवार को 69 किलो वेल्टरवेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में उन्होंने चीनी ताइपे की नियन चीन चैन को 4-1 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में लवलीना का सामना बुधवार को मौजूदा विश्व चैंपियन तुर्की की बुसेनाज सुरमेनेली से होगा। भारतीय मुक्केबाज सतीश कुमार का ओलंपिक में पदार्पण शानदार रहा। उन्होंने जमैका के रिकार्डो ब्राउन को पहले ही मुकाबले में हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। दोनों मुक्केबाजों का ये पहला ओलंपिक है। सतीश ने पटे हुए फैसले के बावजूद 4-1 से जीत दर्ज की है। जानकारी के लिए बता दें कि टोक्यो ओलंपिक के 8वें दिन भारत ने एक मेडल पक्का कर लिया है। शटलर पीवी संधू ने भी कमाल प्रदर्शन किया है। वह जापान की अकाने यामागुची को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सिंधु मेडल जीतने से एक कदम दूर है। टोक्यो ओलंपिक के डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा में भारत की कमलप्रीत कौर ने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया है। टोक्यो ओलंपिक के डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा में भारत की कमलप्रीत कौर ने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया है। अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत उन्होंने फाइनल में जगह बना ली है। कमलजीत ने तीसरे प्रयास में 64 मीटर का थ्रो कर फाइनल में जगह बनाई है। कमलजीत ने अगर यही प्रदर्शन दोहरा दिया तो वह एथलेटिक्स में मेडल लाने वाली पहली भारतीय बन जाएंगी। कमलप्रीत कौर से मेडल की उम्मीद बढ़ गई है। कमलप्रीत नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने शनिवार को टोक्यो ओलंपिक में चीनी ताइपे खिलाड़ी ताइजू यिंग का सामना किया। इस मुकाबले के पहले मैच में पीवी सिंधु 18-21 से हार गई हैं। पीवी सिंधु के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड हासिल करने का सपना टूट गया है, लेकिन सिंधु के पास अभी भी कांस्य मेडल जीतने का विकल्प है। इसके लिए उन्हें एक दूसरे मैच में भाग लेना होगा। मीराबाई चानू के बाद भारतीय फैंस को उम्मीद है कि टोक्यो गया दल ज्यादा से ज्यादा मेडल लेकर भारत लौटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन।